हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय चैनल, इट्स कृष्णा देवतवार व्लॉग चैनल। तो देखिए मेरा मेकअप लुक कैसा लग रहा है आपको, तो ये मैंने कैसे क्रिएट किया है चलिए देखते हैं। तो यहाँ मैंने ले लिया है अपना गुड वाइब्स का रोज जिप टोनर, इससे मैं अच्छे से अपने फेस को डैपिंग मोशन में डैप कर लूँगी। नेक्स्ट मैंने ले लिया है बायोटिक की क्रीम, इससे मैं अपने फेस को करूँगी अच्छे से मॉइस्चराइज, जिससे मेरा फेस की जो स्किन है वो अच्छे से मॉइस्चराइज हो जाएगी। और उसके बाद मैं ले रही हूँ गुड वाइब्स सॉरी NYBA का इल्यूमिनेटिंग सीरम, इससे जो मेकअप होता है बहुत ही अच्छा और बहुत ही फ्लॉलेस होता है। तो ये देखिए, ये भी मैंने अपने पूरे फेस पे नेक पे अच्छे से अप्लाई कर लिया है। और उसके बाद मैंने लिया है प्राइमर, ये है कैमियो का प्राइमर, ये सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है, तो इसको भी मैंने अच्छे से अपने फेस पे कर लिया है अप्लाई, ये देखिए। नेक्स्ट मैंने ले लिया है NYBA का कंसीलर, तो अपनी आई लिड पे मैं ये कंसीलर लगाऊंगी ताकि एक बेस क्रिएट हो जाए आई मेकअप करने से पहले, और एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। अपने कंसीलर को सेट करने के लिए मैं ले रही हूँ रेवलॉन का फेस पाउडर, इससे मैं अपने जो कंसीलर मैंने लगाया है उसको अच्छे से सेट कर लूँगी ताकि मेकअप के बाद या मेकअप के बीच में कोई क्रीज लाइन ना पड़े। नेक्स्ट मैंने वर्क कलर शॉप की पैलेट से एक ट्रांजिशन कलर पिक किया है, जिससे मैं अपनी आई लिड की कॉर्नर से स्टार्ट करके इसको फ्रंट तक लेके जाऊंगी और अच्छे से अपनी क्रीज लाइन पे अप्लाई करूंगी। ये देखिए, ये मैंने थोड़ा सा आपको फोकस करके पास से दिखाने की कोशिश की है। तो ये जो कलर है वो आप कह सकते हैं हल्का सा गोल्डन कलर में आ जाता है, बट ये पूरा प्रॉपर गोल्डन कलर नहीं है, बहुत लाइट गोल्डन कलर है। तो मैंने इसे पिक किया है, ये देखिए दोनों आइज़ पे मैंने अच्छे से इसको लगा लिया है। इसके बाद मैं अपनी सेकंड पैलेट है जो मेरी, उससे मैंने ये ग्रीन शेड पिक किया है जो कि मेरे आउटफिट के साथ का है। तो इसे मैं तब तक लगाऊंगी जब तक मुझे मेरा डिज़ायर कलर नहीं मिलता, तो मैंने इसको फिंगर से लगाना ही ज़्यादा प्रेफर समझा ताकि इसको अच्छे से मैं ब्लेंड भी कर सकूं। ये देखिए, अब मैं लगाऊंगी अपनी आईज़ पे अपना लाइनर। एक्चुअली मैंने इसके ऊपर गोल्डन शेड का एक शिमर था वो मैंने अप्लाई किया था, वो क्लिप मुझसे मिस हो गई थी, और नीचे वाटर लाइन के पास भी मैंने ब्राउन शेड का आई शेडो लगाया था। ये देखिए मेरा लाइनर मैंने कर लिया है अप्लाई। नेक्स्ट मैं अपनी आईब्रो को करूँगी कॉम, और ये देखिए मैंने कर लिया है कॉम, और उसी पैलेट से मैं ब्लैक शेड अप्लाई करूँगी अपनी आईब्रोज पे। दोनों आईब्रो मैंने कर लिया है फिल, और अब मैं अपनी आई लैशेज पर लगा रही हूँ मस्कारा। आईज़ देखिए कितनी अच्छी और शार्प सी लग रही है, मैंने इन पर दोनों अपनी आई लैशेज पर मस्कारा लगा लिया है, साथ ही लगाऊंगी काजल, तो इससे मेरा आई जो मेकअप है वो होता है कंप्लीट। ये देखिए व्हाट अ आई मेकअप लुक, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। लिए अब आते हैं फेस के मेकअप पे। अब मैंने ये लिया है फिट मी का फाउंडेशन, मेरा इसमें शेड है 128, और थोड़ा सा मैंने इसे निकाल के डॉटी डॉटेड मोशन में मैंने इसे लगा लिया है अपने पूरे फेस पे, और अच्छे से एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से तब तक ब्लेंड करेंगे जब तक ये अच्छे से ब्लेंड ना हो जाए। तो ये कर चुकी हूँ मैं ब्लेंड, और अब NYBA का मैंने लिया है कंसीलर, जहाँ हमारा डार्क सर्कल्स होते हैं हमें उसको हाइड करने के लिए हमें कंसीलर की ज़रूरत पड़ती है, तो वही मैं अप्लाई कर रही हूँ जहाँ जहाँ मुझे इसकी ज़रूरत है, और एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से कर लूँगी ब्लेंड। ये देखिए ये कर लिया मैंने ब्लेंड, और अब जो है मैं ले रही हूँ रेवलॉन का फेस पाउडर अपने पूरे बेस को अच्छे से सेट कर। नेक्स्ट मैंने ली है कॉन्टोर पैलेट, एक्चुअली ये USA की कॉन्टोर पैलेट है, एक्चुअली जो मेकअप प्रोडक्ट्स थोड़े बहुत जो हैं मेरे पास तभी मैं उनका लिंक आपको नहीं दे सकती हूँ। तो ये कर लिया है मैंने कॉन्टोरिंग अपने पूरे फेस को,
और साथ में करूँगी अपने नोज़ को भी कॉन्टोर। कॉन्टोर हम इसलिए करते हैं ताकि हमारे फेस को एक एग्जैक्ट शेप मिले। ये देखिए, ये मेरा हो गया कंप्लीट। अब उसी पैलेट से मैं ले रही हूँ ब्लश पैलेट। ये देखिए कितना अच्छा ब्लश है। तो थोड़ा सा मुस्कुराते हुए हम इसको लगाएंगे, ये देखिए। और तो लास्ट में करूँगी मैं अप्लाई अपना हाइलाइटर। और अब देखिएगा आप मेरा फुल एंड फाइनल लुक। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये मेकअप लुक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को कीजिए लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल बटन को दबाना ना भूलिएगा। और अपने फैमिली एंड रिलेटिव में मेरे वीडियोस को करें शेयर। तो मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।